हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ प्लम्बिंग टेक्नीशियन का ऊपर जो क्वेश्चन आंसर होता है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होता है, लेकिन हाँ, एक वीडियो में हर क्वेश्चन आंसर फुल कम्प्लीटली जो इंटरव्यू होता है उसका नहीं बता सकता है। तो एक पार्ट उसमें से मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे आदमी जिसमें ज़्यादा फेल हो जाता है, क्यों? नॉर्मली आप लोगों को मालूम है, जितना भी प्लम्बर लोग है, प्लम्बर टेक्नीशियन लोग है, वो लोग बूस्टर पंप और ट्रांसफार्मर पंप के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। वो हमेशा उन लोग का टचिंग में रहता है, दिमाग में रहता है, लेकिन जो सम पंप होता है वो उसका बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। सिर्फ बस इतना ही मालूम है, इंस्टॉलेशन कर सकता है, लेकिन उसका अंदर जो मेंटेनेंस में क्या क्या करना पड़ता है वो मालूम नहीं होता है। जैसे अभी आप लोग को पता लगा होगा कि जैसे कि गल्फ कंट्री में, ज़्यादातर दुबई यूएई में, कंस्ट्रक्शन कंपनी से ज़्यादा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, जो मेंटेनेंस कंपनी हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा इंटरव्यू जा रहा है। हर मुल्क में जाता है, हर कंट्री में जाता है, सही है। लेकिन बंदा लोग को क्या एक्सपीरियंस है, अपना मुल्क हो या गल्फ में, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से वो लोग इंटरव्यू फैसिलिटी मैनेजमेंट का देने के लिए दिक्कत होता है, सही है। तो ऐसे भी मैं हर वीडियो बना के रखा हूँ मेरा चैनल में, आप लोग जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में है, और हर एक एक वीडियो देख के आपको कम्प्लीटली इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है उसका आंसर आपको पता हो जाएगा, सही है। लेकिन आज जो है टॉपिक संपम पीपीएम, संपम पीपीएम बोलेगा तो आप लोग देखा होगा फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो क्लाइंट आता है तो हमेशा वो पूछता है कि आप संपम का पीपीएम में क्या क्या चेक करना है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, आप पहले बताइए। जैसे और भी क्वेश्चन करेगा, लेकिन एक जो क्वेश्चन है ये भी करेगा, ये मोस्ट जितना भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो लोग ये संपम का ऊपर क्वेश्चन करेगा ही करेगा। क्यों? संपम जो होता है वो ज़्यादा मेंटेनेंस आता है और वो कम्प्लीटली ही बिल्डिंग में ही एक काम होता है। तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाएगा कि संपम का पीपीएम में क्या क्या आप करेगा, क्या क्या चेक करेगा, क्या क्या काम करेगा, आपको क्लियरली बराबर उसको जैसे सेटिस्फाई होगा ऐसा आंसर आपको उसको देना चाहिए। तो आपका सामने मैं लेकर आया हूँ 10 आंसर। क्वेश्चन एक है, आंसर 10 है। आप लोग ध्यान से वीडियो को फुल देखिए, और जो भी प्लम्बर लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्त से शेयर कीजिए। आप लोग बहुत बार कमेंट्स किया, कंप्लेन किया कि आप इलेक्ट्रिकल का ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता है, प्लम्बिंग का ऊपर बहुत कम वीडियो आ रहा है। तो देखिए, मेरा इलेक्ट्रिकल का ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ उसमें व्यू देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इलेक्ट्रिकल को पसंद करता है। आप लोग चाहेगा, आप लोग कोशिश करेगा कि हम एक वीडियो देखते ही उसको सब्सक्राइब करेंगे, और उसका बाद 10 आदमी या 5 आदमी जितना भी हमारा दोस्त लोग है उसको हम लोग सेंड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखेगा। जब भी मैं अपलोड करूँगा तो मेरे को व्यू मिलेगा, जिस वजह से मेरे को इंटरेस्ट होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लेकर आऊँ, सही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, संपम पीपीएम में क्या क्या हम लोग चेक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में ज़्यादा आदमी फेल हो जाता है। आप लोग ये वीडियो देख लिया तो संपम क्वेश्चन के ऊपर आपको कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होगा। भले दूसरा कोई क्वेश्चन के ऊपर आपको गलत बोल सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकता। ये लाइव प्रोजेक्ट का मेरा टीम, मेरा कंपनी में जो काम हो रहा है उसके ऊपर मैं ही आपको बता रहा हूँ, सही है। संपम पीपीएम में हम लोग पहले क्या करता है कि देखिए, जो रूल्स है, सेफ्टी रूल्स, हम लोग पहले के टैग आउट लॉग आउट बोल के एक लॉग आप लोग दिखा होगा, ये जो दिख रहा है वीडियो में साथ में, तो लॉग आउट टैग आउट आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको खोलना पड़ेगा। देखिए, संपम्प हमको ऐसा चेक करना है कि रनिंग कंडीशन में चेक करना है। फेल स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर में जो हमारा संपिंड होगा उसका ढक्कन निकाल के, संपम्प का अंदर में हमारा 4 फ्लोट स्विच होता है, सही है। 4 फ्लोट स्विच की, वो हर संपम्प में 2 संपम्प आएगा, संपिंड का अंदर जो टैंकी होता है उसमें 2 आएगा, दोनों में 4 हमारा फ्लोट स्विच आएगा। वो फ्लोट स्विच को हम लोग एक एक करके उठा के चेक करेंगे। पहला काम वही होता है, आप उस टाइम उसको बोलने का कि हम लोग पहले संपम का फ्लोट स्विच को उठा के चेक करेंगे। क्यों? आप संपम का अंदर जो पानी है वो तो चला गया होगा, रनिंग में पंप है, अभी पानी नहीं है तो कैसे संपम्प चलेगा। तो इसके लिए हमको फ्लोट स्विच को उठा के रखने पर क्या होता है, ऑटो कंडीशन में हमारा पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे हमारा पानी आ जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और चलेगा। इसके लिए हम लोग पीपिंग करने का टाइम हर फ्लोट स्विच को उठा के हम लोग देखता है कि उधर कमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कंट्रोल बॉक्स में हमारा पंप चालू होता है नहीं होता है, सही है। इसके लिए आपको उठाना पड़ेगा। उसका बाद में चारों फ्लोर स्विच आपको वो ये क्वेश्चन भी आपको कर सकता है, कंसल्टेंट जो आपका क्लाइंट होगा वो बोलेगा कि उसमें जो चारों फ्लोर स्विच है उसका क्या काम है और नाम क्या है। पहला बोला आप बोल रहे हैं का जो सबसे नीचे होगा हमेशा एक्टिव रहता है वो है हमारा ड्राई रन, सही है। उसका बाद हमारा जो उसका ऊपर में होता है उसको कई कई जगह पे पंप वन बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ड्यूटी रन बोलने का, ये ड्यूटी रन, ये पंप हमारा ड्यूटी रन का फ्लोर स्विच है। उसका ऊपर जो होगा
आप देखा होगा एक ही लेवल में फ्लोर स्विच किधर भी नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके डिस्टेंस में लगाता है। उसका ऊपर जो होगा 3 नंबर वाला, उसको बोलता है सपोर्टिंग फ्लोर स्विच, सही है। उसका बाद में सबसे ऊपर जो होगा उसको हाई लेवल बोलता है, कई कई जगह पे उसको हाई लेवल अलार्म भी बोलता है, सही है। तो ये जो चारों फ्लोर स्विच है इसके ऊपर आपको जानना चाहिए इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि पहला जो सबसे नीचे वाला है ये तो हमारा ड्राई रन का है, वो हमेशा थोड़ा पानी रहेगा भी वो एक्टिव रहेगा, और उसका बाद में जो ड्यूट रन जो है उसको वो लेवल तक जो पानी आएगा तब वो एक्टिव होगा, और हमारा ड्राई रन एक्टिव है और ऊपर वाला एक्टिव होगा तो पंप चालू हो जाएगा। कैसे भी हमारा दो फ्लोर स्विच एक्टिव होगा तभी हमारा पंप चालू होगा, एक फ्लोर स्विच एक्टिव होने पर चालू नहीं होएगा, सही है। जब ज़्यादा पानी आता है संपिंड में और पंप स्लो चल रहा है, मतलब पंप का कैपेसिटी कम है, तब फिर क्या करेगा, ऊपर 3 नंबर वाला फ्लोर स्विच एक्टिव हो जाएगा, दोनों पंप उस टाइम चालू हो जाएगा। सब पहले तो कभी भी एक पंप ही चालू होगा, उसके बाद दोनों पंप चालू हो जाएगा, सही है। बाकी हमारा टाइमर का हिसाब से, जैसे अभी एक पंप चालू हुआ तो दूसरा बंद होने के बाद दूसरा चालू होने का टाइम टाइमर का हिसाब से हमारा और एक पंप चालू होगा, कभी ये चालू होगा कभी वो चालू होगा, सही है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। उसका बाद में सम्प पंप का क्लीन करना है, जो सम्प पंप होगा उसका अंदर में आप पूरा हैंड में पानी चालू करके खाली करके उसका अंदर जाके पंप को थोड़ा क्लीन करने का, उसका जो जंग लगा हुआ है ज़्यादा पुराना हो गया तो उसको थोड़ा पेंट करना है, ये उसका सेकंड आंसर है। थर्ड आंसर क्या है, 3 नंबर में एनआरबी होता है, देखा होगा बड़ा बड़ा जो संपिंड होता है उसका एनआरबी के लिए और एक चैम्बर होता है स्टेनर, ये आप लोग को दिखा रहा हूँ जो फोटो में दिख सकता है। तो ऐसा एक चैम्बर होगा सेपरेट, उसमें वाल और हमारा एनआरबी होएगा, उसको भी क्लीन करना है, उसको भी जंग लगा गया तो उसको पेंट मार के उसको साफ सफाई करके उसको भी अच्छा करना है, सही है। उसका बाद 4 नंबर में क्या करना है कि वही बात है बोला कि वाल्व और एनआरबी को क्लीन करना है, सही है। 5 नंबर में क्या है कि कंट्रोल पैनल जो है उसको क्लीन करना है, जितना भी उसका बॉडी हेड है, उसका कवर है, उसका अंदर का जितना भी वो कंट्रोल पैनल है उसका आगे पीछे अच्छा से, उसको जो डस्ट गिरा होगा उसको अच्छा से क्लीन करना है, और डीबी का अंदर में कंट्रोल पैनल का अंदर में ब्रश मार के ब्रश का साथ उसको भी क्लीन करना है, उसको ब्लोअर का साथ भी हवा मार के ब्लोअर थ्रू उसको क्लीन करना है। तो जिस वजह से हमारा पंप का अंदर जितना भी डस्ट होगा, क्यों हमारा जो PPM होता है वो हर 3 महीने में एक बार आता है और कभी कभी 6 महीने में एक बार, कभी कभी 1 साल में एक बार, उसका अलग अलग काम रहता है, सही है। जो हमारा मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली उसका हिसाब से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या क्या काम होता है, लेकिन चले जो भी है तो ये आपको बताने का। उसका बाद में MCB जितना है, जितना MCB ब्रेकर्स है उसको सब टाइटनेस करना है, जब स्क्रू उसका टाइट तो होगा ऐसे भी जस्ट उसको धीरे चेक करना है, रीचेक करना है कि कभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर बार बार एक्टिव होके वाइब्रेट होके किधर लूज हो गया केबल का स्क्रू, जो भी है पूरा अंदर में जितना भी आपको MCB ELCB जितना ब्रेकर्स दिखेगा सबको स्क्रू ड्राइवर माइनस स्क्रू ड्राइवर या स्टार स्क्रू ड्राइवर में आपको टाइट करना है, सही है। लेकिन ये काम करने के टाइम आपका DB का पावर बंद होना चाहिए, लॉग आउट उसमें लगना चाहिए। फिर पावर कभी आपको चालू करना है, जब आपको वोल्टेज लेना है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और एम्पियर देखने का कि हैंड में चालू करके, जैसे आपका वोल्टेज सिंगल फेज है 3 फेज है, दोनों वोल्टेज आपको लेना है, कितना वोल्टेज आ रहा है उसका वैल्यू वो आपको नोट करके रखना है, उसका एम्पियर कितना लोड ले रहा है। कभी कभी पंप खराब होने पर ज़्यादा लोड लेता है, ये महीना इतना लिया तो अगला 3 महीना बाद जो PPM होता है उस टाइम अभी 9 एम्पियर ले रहा है तो उस टाइम 15 एम्पियर ले रहा है, तो वो हिसाब से आपको पंप का कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा ले रहा है तो आपको पंप को निकाल के उसको रिपेयरिंग में भेजना है, उसका ऊपर काम करना है, सही है। तो इसके लिए वोल्टेज और उसका एम्पियर लिया जाता है। जितना भी रिले है, फ्यूज है, इंडिकेटर है, जितना भी कंट्रोल पैनल का इंडिकेटर है सबको चेक करना है, वो इंडिकेटर बराबर जल रहा है नहीं जल रहा है, टेस्ट उसमें टेस्ट चूज होगा, टेस्ट मारेगा तो पूरा इंडिकेटर चालू हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसका बल्ब चेंज करना है, जो भी है, सही है। और 8 नंबर में क्या है, तो वही जो मैंने बोला कि वोल्टेज और एम्पियर चेक करना है और उसको नोट भी करके रखने का, क्यों आपका जो चेकलिस्ट होगा PPM चेकलिस्ट उसमें आपको भरना है पूरा, सही है। और उसका बाद में 9 नंबर में क्या है कि पंप को ऑटो और हैंड दोनों मूड पे रन करके देखना है कि ऑटो में हमारा पंप भी चल रहा है, ऑटो में चालू होने के लिए आपको जाकर फ्लोट स्विच उठाना पड़ेगा, फिर ऑटो में चालू हो जाएगा, हैंड में चालू करने के लिए फ्लोट स्विच उठाने का जरूरत नहीं है, हैंड में रख के आपको पुश बटन दबाएगा तो आपका चालू हो जाएगा। उसका बाद में संपम का सबसे लास्ट में संपम का एक चेकलिस्ट उसका DB का साथ होता है पैनल के अंदर, उसको टिक मार के उसको डेट और नाम जो PPM करेगा टेक्नीशियन उसका नाम डेट और एक कौन सा PPM हो रहा है, मतलब मंथली वाला हो रहा है या आपका क्वार्टरली वाला हो रहा है
या आपका हाफ ईयरली वाला होता है या एनुअली होता है, उसमें लिखा लिख के उसको साइन करना है। यही 10 बात आपको समझ गया, याद रख के आप बताएंगे तो आपका 100% संपम का ऊपर PPM जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप आराम से बोल सकते हैं। सही है, तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके बताइए।